जय हिंद दोस्तों। शाम की दो बड़ी खबर, एक देशभक्त नेता एसी फर्स्ट क्लास में बैठ करके दादागिरी कर रहा है टीटी के साथ, बोला यहां हमारी चलेगी, और किस तरीके का तर्क देता है आप सुनकर के हंसोगे, अपना माथा पीटोगे कि यार ये है देशभक्त। और ऐसे देशभक्त हैं जो देश को चला रहे हैं और अपने एक चापलूस को भी सुला के रखा है एसी फर्स्ट क्लास में। और दूसरी बात कहूंगा, क्या यानी सेना से काम लेने से पहले सेना का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, सेना उसके अंडर है या प्रधानमंत्री के अंडर है? क्या प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार प्रसार के लिए सेना को कोई ऑर्डर दिया है? यदि वो ऑर्डर दिया है तो सेना बताए कि वो कौन सा ऑर्डर है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, बड़ा बड़ा हंगामा होने वाला है इस बात को लेकर, और बहुत जबरदस्त राजनीति होने वाली है, यानी चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं अब कोई चुप नहीं, सब मुंह खोल रहे हैं। और जरा पहला वीडियो देखते हैं नेताजी का। बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? हमने ये बताया आपसे पूछा है, कौन स्टाफ है यहाँ टीटी में हुआ जो बिना टिकट यात्रा कौन है? बड़ा बाबू आ रहे हैं, हमने बोला कि आप क्या बोले, 23 साल से मैं राजनीतिक में हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, मैं बिना टिकट जाऊंगा इसमें, जिसको बुलाना है उसको बुला लीजिए, आपने बोला है ना, टिप कर रहे हैं, टिप कर लीजिए, आप बुलाए ना फर्स्ट क्लास में, साथ में है हमारे, ये टिकट, ये बिना टिकट लेके चलने के लिए इनकी अथॉरिटी है। और अब इनकी धोती खोलना, अब हमारा आपका काम आ गया है, वक्त आ गया है। और उस टीटी को सलूट है जिसने इनकरेज इतना है, बंदे ने बोला मुझे मत डराओ मोदी जी से, किसने आदेश दिया कि आप एसी फर्स्ट क्लास में आकर के बड़े मेहमान तरीके से दोनों लेटे हो चौड़े होकर के, और मैं पूछ रहा हूं टिकट का है तो आप बोल रहे हो मैं मंत्री हूं, मेरे लिए सब माफ है, देश मेरा है, ट्रेन मेरी है, मोदी मेरा है। अच्छा मोदी जी आपके, तो मोदी का नाम लिया तो बोलते हैं आप मोदी जी के बारे में ऐसे कैसे बोलता है, उल्टा चोर फिर कोतवाल को भी डांटता है। मजा आएगा इस वीडियो को आप पूरा देखना, छोड़ना नहीं, शेयर भी करना है, क्योंकि ये देश के असली हीरो हैं ना, सारी सुविधाएं चाहिए, फ्री में चाहिए, मुफ्त में चाहिए, खून चूसने वाले लोग हैं, इनको जरूर एक्सपोज करना है हम और अपना। दूसरी बात कहता हूं, हाँ दोस्तों वो ऑर्डर दिखाओ जिसमें सेना को कहा गया है कि 822 सेल्फी पॉइंट लगाना है, क्यों आर्मी चुप है, क्यों एयरफोर्स चुप है, क्यों नेवी चुप है, क्यों बिल्कुल आप चुप हो? ये एक कर्नल साहब ही सवाल पूछ रहे हैं, जो आजकल कांग्रेस की टोपी भले उन्होंने पहन ली हो लेकिन पूछ रहे हैं। क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पीएम का प्रचार करेंगे, पीएम की योजनाओं का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है? मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है, इलीगल है, अनलॉफुल ऑर्डर है। आपको एक और चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा यहां पे कि फौज की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब उन्होंने इसको इलीगल अनलॉफुल माना है। कि कौन सा डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अंडर है, आर्मी एक्ट के अंदर है, स्पेशल आर्मी ऑर्डर के अंदर है, या स्पेशल एयरफोर्स के अंडर है, स्पेशल नेवी ऑर्डर के, कौन सा ऑर्डर है कि जो प्रधानमंत्री सेना को दे सकता है कि आप हमारे चुनाव प्रचार करिए? और गैर मतलब की स्कीमों का सेना चुनाव प्रचार करेगी, सेना बिल्कुल ठोक के कहा है माननीय राष्ट्रपति जी आप सुप्रीम कमांडर हो, या माननीय प्रधानमंत्री सुप्रीम कमांडर जो सेना को सीधे आदेश दे रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सेना का काम सरहद पर खड़ा होकर देश की रक्षा करना, जिस सेना का काम अपनी ट्रेनिंग करना, जिस सेना का काम है हमारे हमारी रक्षा करना, उस सेना का काम अब कब से हो गया कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना कि इन्होंने ये तीर मारा है, इन्होंने ये कद्दू में तीर मारा है, ये मारा है, वो मारा है। अरे जब आपने तीर ही मारा है तो प्रचार करने की क्या जरूरत है, जनता को तो वैसे ही दिख रहा है। अब इन्होंने क्या इल्जाम लगाए, इन्होंने क्या उनकी बखियां उजड़ी, जरा इसको भी सुनिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। प्रधानमंत्री के बारे में बोलने आप कैसे चोर कैसे बोल रहे हैं, आप चोर कैसे बोले, बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं, इसमें चोर कैसे बोल रहे हैं? मंत्री के बारे में बोलने की क्षमता है आपको? कौन बोला प्रधानमंत्री को के बारे में बोले? कौन बोला? दिखाई, ठीक है आप वीडियो वहाँ जब वहाँ जाके भेज दीजिए प्रधानमंत्री, आप भेज दीजिए वहाँ पर, नहीं सीट बेचेंगे इन्होंने बोला आप, कि जब प्रधानमंत्री बेच रहा था, आप बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? हमने ये बताया आपसे पूछा है, कौन स्टाफ है यहाँ टीटी में हुआ जो बिना टिकट यात्रा, कौन स्टाफ से पूछा, कौन स्टाफ है? अटेंडेंट अटेंडेंट इसका मतलब था, अटेंडेंट इसका बताया
आपका स्टाफ और हमने बोला तो बोला कि हैं बड़ा बाबू आ रहे हैं, हमने बोला कि आप क्या बोलेंगे। 23 साल से मैं राजनीतिक में हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, मैं बिना टिकट जाऊंगा इसमें। जिसको बुलाना है उसको बुला लीजिए, आपने बोला है ना, टिप कर रहे हैं, टिप कर लीजिए, आप बुलाए ना कि जिसको बुलाना बुला लीजिए, टिप कर लीजिए। आप क्या, आप कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए, कुछ भी कैसे बोल देंगे, कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए। आप जैसे कुछ भी बोल रहे हैं ना कि इस तरह प्रधानमंत्री को बोला, उस तरह से मैं आपको मतलब बोल रहा हूँ ना। आपका वीडियो है उसमें, ठीक है, वीडियो दिखाइए ना, वीडियो दिखाइए, वीडियो मतलब भेजिए, वीडियो भेजिए, उसमें वीडियो है आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आप कैसे बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्लास में, साथ में है हमारे, ये टिकट, ये बिना टिकट लेकर चलने के लिए इनकी अथॉरिटी है, इनकी बिना टिकट लेकर के चलने के ट्रेन में फर्स्ट क्लास में अथॉरिटी है, ये आदमी इनके अटेंडेंट के रूप में चल सकता है, कौन चल सकता है, कहाँ नियम है, कौन सा नियम है, अरे नियम तो हम नहीं पढ़े हैं लेकिन उसमें लिखा हुआ, इतना कौन सा लिखा हुआ, सुने उनसे क्या बात कर रहे हैं भाई, हमसे बात कीजिए ना, हाँ फिर से बात कर रहा हूँ, आपकी क्या अथॉरिटी है दिखाइए ना, आप मतलब कौन सा नियम है, आप कौन सा है जो मतलब क्या है, आप एनआरसी का आई कार्ड दिखाइए, एनआरसी का आई कार्ड हमारे पास आज नहीं, तो बिना टिकट है जो कैसे चल रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, आज मेरे पास कार्ड नहीं है, आप पता कर लीजिए आरपीएफ इंस्पेक्टर से बक्सर या आरा के किसी अधिकारी से बात कर लीजिए या हाजीपुर या पटना, बिना टिकट आपको चलने के लिए कौन अधिकारी बिना टिकट चलने के लिए बोले हैं आपको बताइए ना, बिना टिकट चलने के लिए कौन अधिकारी बोले हैं, क्या बिना टिकट कौन अधिकारी चलने के लिए, आप बिना टिकट नहीं बोले हैं कोई, तो बिना टिकट कोई बोलता है तो इसमें फर्स्ट क्लास में, इसी फर्स्ट क्लास में कैसे बैठे हुए हैं आप, धक्का दे रहे हैं मुझे, धक्का दे रहे हैं, धक्का मुक्का या फिर मुझे ऑन ड्यूटी टीटी को धक्का दे रहे हैं, धक्का आपको दिए हैं, हाँ तो दिए हैं, धक्का दिए हैं, हाँ मेरे को धक्का दिए हैं, मैं आरपीएफ को कॉल किया हूँ, धक्का देकर मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ, आपके धक्का के बाद मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ, मैं आपको कॉल किया हूँ, सुनिए, ठीक है, आपने कहा ना कि धक्का दिए हैं, आप जिसको भेजना है मैसेज आप कर देंगे, आप मेरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, इतना फॉल्स आप ब्लेम लगा रहे हैं, आप जिसको भेजना है मैसेज भेज दीजिए और मैं इस गाड़ी से इस पोस्ट से नहीं निकलूंगा, नहीं निकलेगा, आप भेज दीजिए, ठीक, नहीं आप जाऊंगे, मैं हैंडी को मेमो देता हूँ, आप अशाफ है, मैं हैंडी को मेमो देता हूँ, आप बताइए, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये धमकी देता हूँ, ड्यूटी टीम के साथ में धक्का मुक्की जो कर रहे हैं, ऐसी फर्स्ट क्लास में बिना टिकट आई, मतलब ये लड़का जो मतलब धक्का दे रहा है, देखिए ये लड़का है जो मुझे उस लड़के को, ये है जो मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, बैठिए आप बैठिए, मैं टिकट चेक करने के लिए आया हूं, बैठिए, बात समझ लीजिए, हम मेंबर हैं और चल रहे हैं बक्सर जाना है, लेकिन आपने जो व्यवहार किया वो एक सामाजिक, आप कह रहे हैं कि सामाजिक, हम भी क्षेत्र में रहे हैं, राजनीति किए हैं, हाँ? एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ और सामाजिक व्यक्ति के साथ, आप तो बोल रहे हैं कि बक्सर में हमारा भाई सीआईटी है, बिल्कुल, रमेश चंद्र सिंह, पता कर, हाँ तो रमेश चंद्र सिंह साहब जो मतलब हमारा नाम है जो जानते हैं आप, जब पूछ लीजिए रमेश चंद्र सिंह लगाइए, आपको कौन है जो बिना टिकट चलने के लिए बोला, पता कर लीजिए रमेश चंद्र सिंह को, फोन कर लीजिए, मैं जानता हूँ रमेश चंद्र सिंह को, हाँ तो फोन कर लीजिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको बिना टिकट चलने के लिए कौन कहा, ये पहले बताइए ना, हम रमेश चंद्र सिंह को नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, लेकिन हमारे आप धमकी कैसे दे रहे हैं, आपके जैसे वो भी, आप धमकी कैसे दे रहे हैं, क्या धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं टीटी को, कैसे दे रहे हैं ऑन ड्यूटी टीटी को, धमकी कैसे आप दे रहे हैं, हम धमकी दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, बिना टिकट यात्रा इसमें कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्लास में आके बैठ गए, आपको बाहर जाने के लिए बोले कि दूसरे कोच में आप उधर चले जाइए, तो आपने जो मुझे धमकी दिया और जो धक्का मुक्की है जो मतलब मुझे दिया, सुनिए आपको कह रहे हैं ना कि आपको जो टिप करना है और जो सुनाना है, ठीक है ना, आपने जो व्यवहार किया और हमने आपके साथ धक्का मुक्की किया, बताएगा कोई स्टाफ को लड़का, हाँ जरूर बताएगा, बाहर का लड़का बताएगा, नहीं तो गवाह, यहाँ पर है जो मतलब दो गवाह थे, मतलब मैं तीसरा आदमी मैं हूँ, करूंगा और गवाह बनाऊंगा, 100% आप केस कीजिए, केस करूंगा और गवाह बनाऊंगा, एकदम है 100% केस कीजिए आपके साथ, और मैं भी आपको केस करूंगा, हाँ केस करिएगा आप, केस कीजिए, केस कर दीजिए आप, पहले केस कीजिए ना, हम केस करेंगे, आप कीजिए केस, अपना नाम बता दिए और मेरा भी नाम लिखिए, मेरा सारा नाम है जो इसमें सारा रिकॉर्ड है सारा, जो हमारा जॉब अधिकारी साहब पूछ लीजिए, आप अपना नाम निकलवा लूंगा, मैं हैंडी ओवर मेमो देता हूँ, मेरा लिख लीजिए, राणा प्रताप सिंह और मेजर ग्राम पोस्ट सब लिख लीजिए, हाँ ग्राम पोस्ट बताइए, इसमें ग्राम पोस्ट लिख लीजिए, बोलिए ना इसे, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, क्या है ग्राम पोस्ट आप बताइए, क्या बोला, नोट कर लीजिए, अब बताइए ना, नोट हो रहा है, बताइए ना, अब बताइए, अरे वीडियो क्या करके, अरे आप आज मतलब केस करने की धमकी दे रहे हैं, बताइए ना क्या है ग्राम पोस्ट, बिल्कुल आप बताइए ना, राणा प्रताप सिंह का नाम, ग्राम पोस्ट बताइए ना, बक्सर, और बताइए ना ग्राम कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, बक्सर है, बक्सर है, कौन मोहल्ला है, वार्ड नंबर क्या है जरा वो भी बताइए, मैं देखूं, क्या वार्ड नंबर बता दें आपको, क्या वार्ड नंबर बताएं आपको, क्या वार्ड नंबर बता दें आपको, बताइए, जो आप पूछ रहे हैं कि नोट कर लीजिए, हाँ, आप अपना क्यों नहीं बता रहे हैं, एड्रेस आप बताइए ना, जो मतलब यहाँ आप बता रहे हैं ना, हाँ, आप अपना बताइए, सर आप केस कर दीजिए ना, सारा पता चल जाएगा, मेरा नाम बता दें, एड्रेस आप अपना बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप चले जाइए, क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पीएम का प्रचार करेंगे, पीएम की योजनाओं का प्रचार करेंगे?
क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है कि जो हमारे सैनिक देश की सरहदों पर खड़े होने का काम करते हैं, -40-50 डिग्री पे खड़े होते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान में गर्मियों में खड़े होते हैं, क्या वो अब मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है, इलीगल है, अनलॉफुल ऑर्डर है। आपको एक और चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा यहां पे कि फौज की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब उन्होंने इसको इलीगल अनलॉफुल माना है। देश की फौज का सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर्पज से रूटीन वर्किंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, उसको रखा गया है, लेकिन वो पॉलिसी और रोल डिफाइन नहीं कर सकते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस का रोल डिफाइन करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सबॉर्डिनेट पॉलिसीज एंड एक्ट्स होते हैं, जिसको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल नेवी इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स, एयरफोर्स ऑर्डर्स और नेवल ऑर्डर्स के जरिए प्रोमलगेट किया जाता है,